अस्सलाम वालेकुम, वीडियो और चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत और आफियत से होंगे। आज का टॉपिक हमारा M16A4 पर है। कुछ ज़बरदस्त राइफल है, ओरिजिनल मेड इन अमेरिकन USA का बनी हुई M16 है। बहुत से ममालिकों ने इसको बनाया है, लेकिन सबसे खूबसूरत और कामयाब जो आप दिख रहे अमेरिकन की M16 होते हैं। जी दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन सबसे पहले अंडर एज और टीन एज लोग इन चीज़ का इस्तेमाल ना करें, इसका शौक ना करें, क्योंकि उनकी ज़िंदगी का ख़तरा बन सकता है, और हवाई फायर से इज्तनाब करें। जी दोस्तों, आप जब भी राइफल उठाते हैं तो सबसे पहले इसका मैगजीन निकालें और इसके बाद इसका बैरल चेक करें। हमने तो मैगजीन निकाली है। जी दोस्तों, इसका बैरल है, ये भी खाली है, इसको चेक करें कि खाली है या नहीं। जी दोस्तों, हमारा दोस्त शफीक भाई भी मौजूद है, इस पर डिटेल से बात हमारे दोस्त शफीक भाई भी करेंगे। जी शफीक भाई। जी तमाम दोस्तों व्यूअर को खुश आमदीद कहते हैं। फ्रेंड्स, आज हमने आपके लिए एक दुनिया की मशहूर राइफल M16 223 राइफल लाया है, ओरिजिनल USA M16 A4 मॉडल। सबसे पहले दोस्तों, इसकी कुछ बेसिक मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं कि USA M16 में A1 मॉडल भी है, A2 A3 A4। ये जो आप देख रहे हैं, ये A4 मॉडल M16 है, यानी M16 जो होते हैं इसमें ये लेटेस्ट मॉडल है, M4 मॉडल, जो कि बहुत ज़बरदस्त राइफल है। आप देख ले इसको, ये बिल्कुल इंग्लिश कंडीशन में, इसकी हर पार्ट जो है ना फ्रेंड्स, ये इंग्लिश है, जैसा कि आप देख सकते हैं। दोस्तों, इसका जो रेंज है ये तकरीबन 550 मीटर फ्रेंड इसका इफेक्टिव रेंज है, जबकि इसकी गोली बहुत दूर तक जाती है। फ्रेंड्स, अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके, M16 जितने भी राइफल होते हैं, चाइना ने भी बनाया, USA ने और अदर कंट्री ने भी इसको डिज़ाइन किया, लेकिन पूरी दुनिया में जो मशहूर है वो M16 जो है ना, ये USA का है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये A4 मॉडल है, इसमें A2 A1 A3 भी है। A4 में जो ये आप दस्ता देख रहे हैं, A1 A2 में ये फिक्स होता है, जबकि A4 में जो है ना आप दस्ता ये इसको हटा भी सकते हैं। ये आप देख ले, इसके लिए जगह भी है, आप इसको रिमूव कर सकते हैं, या आप जो है ना इस पर जो इसका दूसरा साइड है वो भी लगा सकते हैं। ये साइड आप देख ले फ्रेंड्स, इसको पीप साइड कहते हैं। USA के जितने भी राइफल होते हैं, इसमें जो है ना अक्सर ये साइड पीप साइड होते हैं, यानी इसके लिए दो होल्स हैं, आपको नज़र आ रहे हैं, ये नाइट के लिए यूज़ होता है, जबकि ये बहुत बारीक है, इसके ऊपर भी जो है ना आप शूटिंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये दुनिया की मशहूर राइफलों में से एक है, राइफल है, मिलिट्री राइफल है, और USA ने मुख्तलिफ वार में जो है ना बड़ी पैमाने से इसका यूज़ किया, जैसे कि अफगान वार में, शाम वार में, इराक वार में, और मुख्तलिफ कई और वार में जो है ना इसका यूज़ हुआ है। और ये मिलिट्री राइफल है फ्रेंड्स, बहुत ज़बरदस्त राइफल है, और अगर इसकी एक्यूरेसी की बात की जाए तो बहुत ज़बरदस्त एक्यूरेसी है फ्रेंड्स। इसकी कार्टिजेज मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये आप देख लीजिए, 223 की कार्टिजेज है, ये भी USA ओरिजिनल कार्टिजेज है, और ये इसका डिटेचेबल बॉक्स मैगजीन है फ्रेंड्स। अब देख ले, इसमें 75 राउंड भी होती है, AK-47 की तरह जो कोप है, और इसमें 20 राउंड की भी होती है, और 30 राउंड डिटेचेबल बॉक्स मैगजीन भी इसके अंदर होते हैं। और इसका बोल्ट ऑफर देख ले फ्रेंड्स, बहुत ज़बरदस्त है, और इसकी अगर रिकॉयल स्प्रिंग की बात की जाए फ्रेंड्स, तो इसके बट के अंदर इसका रिकॉयल स्प्रिंग होता है, क्योंकि इसके रिकॉयल का जो बड़ा स्प्रिंग है ये बट के अंदर होता है। और ये बट आप देख ले फ्रेंड्स, ये पॉलीमर से इसको डिज़ाइन किया गया है, और अभी जो है ना इसकी ये ब्रस्ट और जो है ना फुल ऑटो की बात करते हैं फ्रेंड, M16 जितने भी होते हैं वो तीन तीन राउंड ब्रस्ट करता है, यानी इस ये AK-47 की तरह फुल ऑटो नहीं है। इसमें जो है ना A1 A2 A3 A4, इसमें ये जितने भी होते हैं M16 USA की राइफल, ये थ्री थ्री ब्रस्ट कर रहा है, जबकि इसमें M4 भी है और M4 A1 भी है। USA में जो M4A1 है, ये AK-47 की तरह फुल ऑटो है, जबकि ये आप देख ली, ये जितने भी राइफल होती है थ्री थ्री ब्रस्ट का होता है। ये इसका डस्ट कवर है फ्रेंड्स, आप देख ले, अगर इस पर आप फायर ना करें तो इसी तरह आप क्लोज करें, ताकि इसके अंदर गर्द वगैरह ना हो जाए। और ये इसका फ्रेंड्स आप देख लें, इसका सिक्योरिटी, इसका सीमी ऑटो, इसका ब्रस्ट, सब कुछ जो है ना इधर लिखा है फ्रेंड्स। अभी जो है ना ये लॉक नहीं होता ये, और फ्रेंड्स इसमें ये आप देख लें, इसका लॉक दोनों साइड की तरह है, ये आप देख ले, राइट हैंड के लिए शूटर के लिए भी है और लेफ्ट हैंड के लिए भी है। ये न्यू मॉडल A4 है, इसमें इस तरह से A4 भी होते हैं कि इसका लॉक जो है ना एक साइड पे होते हैं, या जो है ना यानी राइट पे होते हैं, लेकिन ये दो आप देख ले, ये राइट और लेफ्ट दोनों पर जो है ना होते हैं। और ये इसका लोगो वगैरह भी देख ले फ्रेंड्स, ये इफिन कंपनी का है, USA की मशहूर कंपनी है। वैसे तो US अरंडीनेस पीस को डिज़ाइन करता है इफिन कंपनी, और मुख्तलिफ कंपनी जो है ना इसको डिज़ाइन करता है। और फ्रेंड इसकी ये विंडेज के लिए भी जगह है, यानी अप डाउन के लिए भी है, राइट लेफ्ट के लिए भी, यहाँ जो है ना
आप ये लकीरें वगैरह देख सकते हैं, अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सकते अपने हिसाब को जो है ना, इस अपने हिसाब से जो है ना इसको ज़ीरो भी कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त तरीका है। और इसकी फ्रंट, अगर ये फ्रंट पोस्ट की बात की जाए तो ये फिक्स है, यानी AK-47 की तरह इसकी एडजस्टमेंट आप नहीं कर सकते, ये बिल्कुल फिक्स है। और ये जगह आप देख ले फ्रेंड, यह आप जो है ना इसमें टॉर्च, लेज़र, ट्रिजिकॉन वगैरह सब कुछ जो है ना, ये आप देख लीजिए पट्टी लगी है यहाँ जो है ना, आप ट्रिजिकॉन लेयर्स वगैरह जो है ना सब कुछ जो है ना इसमें आप लगा सकते हैं, इसको और टेक्टिकल बना सकते हैं फ्रेंड। अब अगर इसकी ये पायदारी की बात की जाए तो इसका बैरल आप देख ले, बहुत मजबूत बैरल है। और फ्रेंड इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर जो ग्रुप होता है वो भी 6 ग्रुप होता है, जबकि AK-47 में 4 होता है। और दुनिया की मशहूर राइफल जो है ना M16, इसकी अगर बैरल की बात की जाए तो इसका बैरल बहुत मजबूत है, और इसका जो बैरल के अंदर जो क्रोम लगा है वो बहुत हाई कैपेसिटी क्रोम इसके अंदर जो है ना फ्रंट डिज़ाइन हुआ है। अभी जो है ना ये दस्ता आप देख ले, आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं अगर इसको आप नापसंद करें, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त है। और इसी तरह से जो मैंने आपसे कहा, बिल्कुल आप इसको आप टेक्टिकल बना सकते हैं। ये आप देख ले, इसका बाई पार्ट है, इस बटन से जो है ना आप बिल्कुल, अगर लॉन्ग रेंज शूटिंग करनी है तो आप इसी तरीके से, इसका बाईपॉट है फ्रेंड्स। और अगर इस तरह से राइफ़ल की प्राइस की बात की जाए तो मुख्तलिफ जगहों की मुख्तलिफ प्राइस होती है, लेकिन इस तरह से राइफ़ल की प्राइस तकरीबन 2,30,000 से लेकर 3,00,000 तक जो है ना इसकी प्राइस है, लेकिन मुख्तलिफ जगहों की मुख्तलिफ प्राइस होती है। मैं इसका ट्रेकर भी आप लोगों को देखा तो फ्रेंड्स, इसमें फ्री स्पेस नहीं होते, आप देख लें ये बिल्कुल फिट है, ये यानी इसमें ये फ्री प्ले नहीं होते, बहुत ज़बरदस्त है फ्रेंड्स। अगर इसकी ग्रिप की बात की जाए तो बहुत खूबसूरत ग्रिप है। और फ्रेंड इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इसका रिकॉयल या डच का जो है ना ये ना होने के बराबर है, बिल्कुल ये 22LR की तरह इसका जो है ना कंप्लीट रिकॉयल है। इसका ज़बरदस्त जो है ना मुझे जो खुद पसंद है, इसका रिकॉयल ना होने के बराबर है। और फ्रेंड अगर इसको आप फुल ऑटो पे करें या ब्रस्ट पे करें, और अगर आप इस पर फायर करें तो AK-47 पर अगर फायर करे तो ये गोली टारगेट के पर लगता है, बाकी जो है ना टारगेट से बाहर जो है ना होता है, जबकि इसमें यह चीज़ नहीं है। अगर आप इसको ब्रस्ट पर करें तो ये 3-3 राउंड फायर करता है, जबकि आपकी गोली या आपकी जितने भी फायर होते हैं ये टारगेट के अंदर होते हैं। बाकी फ्रेंड्स ये मिलिट्री चीज़ें, बहुत पायदार चीज़ें। और अगर पायदारी की बात की जाए तो मुख्तलिफ जो कंट्री ने इसको डिज़ाइन किया, लेकिन ये इतने पायदार नहीं है जितने ये पायदार है। फ्रेंड्स आप देख लें, ये भी इसका बटन जो आपको नज़र आ रहा है, अगर इस पर आप फायर करें, फॉर एग्ज़ाम्पल इसने कार्टिज ख़त्म किया तो ये बोल्ट जो है ना इधर रोकता है। अगर इस पर आप दूसरा मैगजीन चढ़ाएं, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, इसी तरह से ये मैगजीन है फ्रेंड, ये बिल्कुल बोल्ट जो है ना इधर जो है ना स्टॉप हो गया, क्योंकि इसके अंदर अभी कार्टिजेस नहीं है। मैं इसका मैगजीन रिलीज़ कर देता हूँ फ्रेंड, ये बटन आप देख लें, अभी बोल्ट यहाँ खड़ा है। अगर इसको आप दबाएं तो ये देख लें, ये ऑटोमेटिक लोड होता है। ये फौजी के लिए या सोल्जर के लिए आसानी के लिए यह बटन जो है ना इसमें लगाए हुए हैं, ताकि फौजी जख्मी वगैरह भी तो जो है ना ये लोड कर सकते हैं। और यह पम्प आप देख लें फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ, अगर बोल्ट अपनी जगह बैठ ना जाए तो यह पंप इसके लिए है कि आप इसको थोड़ा प्रेस करें, ये आप देख लीजिए बोल्ट यानी इसकी कार्टिज जो है ना ये चैम्बर होता है। तो दोस्तों ये कुछ मालूमात थी जो मैंने आपके साथ शेयर किया, अभी अख्तर अखबार आपको एंड तक ले जाएगा। जी दोस्तों, शफीक भाई ने तो बहुत ज़बरदस्त और तफसील के साथ इसका इन्फॉर्मेशन आपको दिया है, और इसकी प्राइस की बात करें शफीक ने भी किया, लेकिन 2.70 से 3 लाख के दरमियान ये मिलता है, वो भी ओरिजिनल। बाज़ औक़ात इसमें ज़्यादातर लोग इस पर धोखा करता है और इसको लोकल चीज़ इसमें लगाते हैं, लेकिन इसका पहचानना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि हम भी आसानी से हम इसको नहीं पहचान सकते। और ये जो आप देख रहे हैं इसका स्लिंग हुक है, इस पर आप स्लिंग हुक लगा सकते हैं। जी दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।